सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी लगाई है, मैंने सुबह ही कह दिया कि हम उसका अभिनंदन करते हैं और देश के सौहार्द के लिए मुझे लगता है कि यह कदम आवश्यक था। मैं और हमारी पूरी सरकार इस पूरे निर्णय का हृदय से स्वागत करते हैं। ऐसी दरखास्त पेश करने के पहले कानूनन पहलू तो देख लेना चाहिए था। लगता है सरकार को उनके वकीलों ने सही सलाह नहीं दी है। क्या चाहते हैं ये जो हमने दरखास्त में ये वो चाहते हैं कि जो यथास्थिति का आदेश है 2010 का सुप्रीम कोर्ट का, ये जो अयोध्या की अपीलें हुई हैं सब में आदेश है जब से चला रहा है, उस आदेश का ये मॉडिफिकेशन चाहते हैं। जिस अपील में आप पार्टी नहीं हैं उस अपील के यथास्थिति के आदेश को आप बदलवाना चाहते हैं, जिसमें आप खुद नहीं लगा के बदल सकते। अब उस आदेश को कैसे अलग होगा, असलमपुरी में लगाएंगे केस, ये भी आज 5 जज के सामने केस लगा हुआ है अयोध्या का, तो ये जो आदेश है इनके सामने असलमपुरी में दरखास्त लगा के इस आदेश को क्या मॉडिफाई करना चाहते हैं या पार्शियल वेकेशन चाहते हैं, क्या चाहते हैं? इसलिए ये सब किया गया होगा सरकार के द्वारा, जिस तरह क्यों इन्होंने ये दरखास्त लगाई है तो अब सरकार ही जानेंगी। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कदम, निर्णय होने में लगातार जो देरी हो रही, मैं तो मीडिया को भी धन्यवाद करता हूँ कि वो एक एक तारीख का विचार करते हैं, उस पर डिबेट करते हैं, जब एडजर्न होता है तो उसकी शिकायत करते हैं, इस दबाव में छोटी तारीखें भी हुई पर उसमें से एक भी कारगर नहीं हुई, उस परिस्थिति में से ये आया है और इसलिए इसमें कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं टूटना चाहिए। केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल किया है कि जो ज़मीनें झगड़े को छोड़ करके हैं वो ज़मीनें हमें वापस की जाएं, मस्जिद को छोड़ करके जो ज़मीनों की मांग की जा रही है उस पर हमें कोई इतराज नहीं है, सरकार के कब्जे में पहले से भी है, सरकार किसको दे रही है किसको नहीं दे रही है ये कोर्ट जाने और हमें कोई इतराज नहीं। मेरा आधा काम हो गया है, परंतु सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए। ये जो ज़मीन था इसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिक्लेयर किया था, अनडिस्प्यूटेड है, इसको किसी प्रकार से भी उपयोग हो सकता है, स्वाधीन है मालिक, और अधिकांश है राम जन्मभूमि न्यास की और वो विश्व हिंदू परिषद की है, वो है माना जाएगा। तो वाजपेयी के काल में इसको पता नहीं क्यों स्टे में डाल दिया, अब इतने साल होने के बाद उसको छुड़ाना, ये मैं तो सोचता था ये अनिवार्य भी नहीं है, हम सीधा कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं और कोई सवाल उठाएंगे तो हम बता सकते हैं कि ये अनडिस्प्यूटेड लैंड था और स्टे में था तो स्टे को हटा दीजिए, परंतु हमारी सरकार सरकार होने के कारण वो नियम के अनुसार पक्के होने चाहते हैं तो उन्होंने ये कदम उठाया, लेकिन काम तो शुरू हो जाना चाहिए। बस मैं सरकार को धन्यवाद कहता हूँ कि आधा काम तो कर दिया, पूरा काम कर दीजिए। सियासी मतलब सीधा है कि कुंभ में वहाँ पर कुछ फैसला अब संत वगैरह करने जा रहे हैं 2 दिन में, सरकार ये उनको दिखाना चाहती है कि हम आपके साथ में हैं, अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कृपया कुछ वहाँ मत करिए।